दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम चौथा टेस्ट मुकाबला जीते तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले में ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर ने उस मुश्किल परिस्थिति में भारतीय टीम के लिए रन बनाए जब भारतीय टीम की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई थी। शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने ऐसी बल्लेबाजी का नजारा पेश किया जिसको देखने के बाद तो इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के भी होश उड़ गए। चलिए बताते हैं आपको ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी के साथ साथ पूरे मैच की हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा में कौन है बेहतरीन ऑलराउंडर? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला तो ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 191 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम दूसरे दिन 290 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारत के ऊपर 99 रनों की बढ़त भी बना ली। खेल का तीसरा दिन भारतीय टीम के लिहाज से काफी शानदार रहा। रोहित शर्मा ने 127 रनों की पारी खेली जबकि केएल राहुल ने 46 रन बनाए। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने भी 3 नंबर की जिम्मेदारी को संभालते हुए 59 रनों की पारी खेली जिसके बाद भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 270 रन बना चुकी थी और टीम ने इस बीच 3 विकेट भी खोए थे। उसके बाद चौथे दिन की शुरुआत हुई और भारतीय टीम के लिए अच्छी नहीं रही। रविंद्र जडेजा, विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे पहले सत्र में ही आउट हो गए और भारतीय टीम के लिए सिर्फ 312 रन के स्कोर पर ही 6 विकेट गिर गए। विराट कोहली 44 रन बनाकर आउट हो गए जबकि जडेजा ने 17 रन बनाए और अजिंक्य रहाणे तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर ने फिर एक बार करोड़ों भारतीयों का दिल जीतते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली की उम्मीदों पर खरा उतर के दिखाया। ठाकुर तो इस मुकाबले में शुरुआत से ही तेज बल्लेबाजी करते हुए नजर आए जिस तरह से उन्होंने पहली पारी में बेहतरीन प्रदर्शन किया था। शार्दुल ठाकुर का ये रूप देखकर तो इंग्लैंड के टीम के अभी से पसीने छूटने लगे और उसके बाद ऋषभ पंत ने अब की बार किसी भी गलत शॉट को खेलने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्रीज पर थोड़ा समय जरूर लिया लेकिन उसके बाद जब उन्होंने गेंदबाजों की रणनीति को पूरी तरह से समझ लिया उसके बाद अपने शानदार शॉट्स लगाए। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में इतनी शानदार साझेदारी पनप चुकी थी कि भारतीय टीम ने 350 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। इसके बाद भारतीय टीम इस मुकाबले में इंग्लैंड के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही थी जिसका दबाव इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता था क्योंकि 7वें विकेट के लिए इस तरह की साझेदारी तो शायद इंग्लैंड के कप्तान ने सपने में भी नहीं सोची होगी। लेकिन शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से तो इंग्लैंड की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। यही कारण रहा कि दोनों ही बल्लेबाज पलक झपकते ही अपने अर्धशतक के नजदीक पहुंच चुके थे और जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानो वनडे क्रिकेट खेल रहे हो। भारतीय टीम का स्कोर लगभग 400 रन के नजदीक होने ही वाला था और टीम काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही थी ऐसा लग रहा था कि चाय तक भारतीय टीम का स्कोर 425 रन हो जाएगा। वैसे दोस्तों, आप सभी शार्दुल ठाकुर और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।